सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ निस्क विजिट किया हूँ। सो मेरे पीछे आप यूनिवर्सिटी ऑफ निस्क देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड 1500 है, और इस कॉलेज की जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें 1500 बेड्स हैं। और जो अब बात करते हैं इसके जो कैंपस में है, इसका कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसकी जो फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो क्लासेस लगती हैं वो एक बिल्डिंग में लगती हैं। मेनली ये जो मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर रेक्टोरेट है, यहाँ पर बेसिकली डिसीजन लिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, और ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्टेड हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर में जो सीट्स होती हैं इस यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए, वो बेसिकली होती हैं 59 सीट्स ऑल ओवर इंटरनेशनल बच्चों के लिए। वो चाहे आप इंडिया से हो, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप इस कंट्री में आ सकते हो, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। और अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस के बारे में। तो फीस जो है 6000 यूरोज़ है पर ईयर। 6000 यूरोज़ का मतलब हो गया कि आपका 6 लाख रुपए इंडियन करेंसी। तो टोटल जो पैकेज आएगा अराउंड, अगर आप मान के चलते हैं तो 36 लाख रुपए आपकी कॉलेज की फीस हो गई। रहने खाने का पर ईयर 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आप मान के चलो कि 45 to 48 लाख के आसपास आपका बजट जाएगा इस यूनिवर्सिटी से अगर आप MBBS करते हैं। अच्छा, 6000 यूरो जो फीस है कॉलेज की, वो आप 3 बार में 4 बार में जमा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट करते हैं तो 50 यूरो देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन देने के बाद आपका फिर एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के लिए 100 यूरो आपको पे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप इनवाइस मिलेगा आपको। इनवाइस मिलने के बाद आप कॉलेज की फ़ीस पे करें। 3 बार में फीस जमा कर सकते हैं। 2000 करके आप जमा कर सकते हैं। 2000 यूरो का मतलब हुआ आपका अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी। फिर आप बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं तो 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट और नीट का रिजल्ट, ये आपका डॉक्यूमेंट चाहिए नीट जो क्वालिफाइड है उनके लिए। और जो बच्ची नीट क्वालिफाइड नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री नीट को नहीं देखती है, बट अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया में एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं, तो आप नीट क्वालिफाई ही करके आएँ। और उसके अलावा फिर अगर एक और ऑप्शन है, मेरे यूट्यूब पे मैंने दूसरा वीडियो बनाया कि और क्या दूसरा ऑप्शन है अगर आप नीट क्वालिफाई करके नहीं आते हैं, और क्या ऑप्शन है कि इंडिया में फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि आप MBBS यहाँ से कर लें और PG आप क्या कहते हैं UK, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA से अगर आप PG करते हैं तो इंडिया में कोई भी एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप उसके बेसिस में आप इंडिया में लाइसेंस मिल सकता है। बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। एडमिशन पोर्टल ऑलरेडी ओपन है, और कोई भी गैप हो आपकी पढ़ाई में, फॉर एग्जांपल किसी ने 12th 2020 में कर लिया, 2019 में कर लिया और वो ड्रॉप लिए जा रहा है, तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और कैसे डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे। आप एक PDF बनाएं और उस PDF में सारे डॉक्यूमेंट्स अपना मेंशन करें, तो आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, आपका 10th and 12th की मार्कशीट। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया से अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो मुंबई से फ्लाइट अवेलेबल है, बेंगलुरु से फ्लाइट अवेलेबल है, दिल्ली से फ्लाइट अवेलेबल है। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो मिनिमम आप समझ के चलिए 1 वे की फ्लाइट 30,000-28,000 के अप्रॉक्सिमेटली आप शुरू करते हैं। 28,000 रुपीज़ में आपको मिलता है अगर आप पहले से बुकिंग करते हैं। इमरजेंसी जो टिकट्स होते हैं अराउंड 40,000 रुपीज़ के आसपास होते हैं इस सिटी के लिए। अब आप बात करते हैं कि अगर आप यहाँ के अपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अपार्टमेंट जो है 150 यूरो से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर 150 यूरो का मतलब हुआ 14,000 रुपये पर मंथ। तो ये अपार्टमेंट के चार्जेस हैं जो स्टार्टिंग, आप मान के चलो कि आप किसी दो लोगों के साथ अगर रहना चाहोगे तो 2000 यूरोज़ आप पे करते हो, 19,000-20,000 रुपये, तो आप दो लोगों आराम से उसमें रह सकते हो। अब बात करते हैं कोई इंडियन मेस, तो इंडियन मेस यहाँ पर अभी कोई अवेलेबल है नहीं, आपको खुद से बनाना होगा। और यहाँ पे KFC वगैरह अवेलेबल है जो आपको लाइक आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यहाँ पर आके काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल काम कर सकते हैं। पर डे जो यहाँ पर अभी भी मैंने 2 बच्चों से मिला, वो पर डे यहाँ पर काम करते हैं जिनकी पर डे की सैलरी है 15 यूरोज़। तो वो इसका मतलब हुआ कि पर मंथ आपका अराउंड 450 यूरो, जो कि इंडिया का आई थिंक 45,000 रुपीज़ वो कमाते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम अगर काम करते हैं वो, बट आई थिंक सैटरडे संडे ही काम करते हैं। तो पर डे 15 यूरोज़, तो एक ये आपको बेनिफिट है कि सर यूरोपियन कंट्रीज़ में आप वर्क कर सकते हैं, अपना पार्ट टाइम वर्क करके अपना मतलब अपने पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉलेज की फ़ीस हो गई आपका, और जैसे कुछ बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं, यूरोप सेटल होना चाहते हैं, जर्मनी सेटल होना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली टाई अप है इरेसेंस प्रोग्राम के थ्रू। आप किसी दूसरी कंट्री में यहाँ पे फीस भरी है और दूसरी कंट्री में आप इरेसेंस प्रोग्राम के थ्रू आप अपना 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर या इंटर्नशिप या ट्रेनिंगशिप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अप्लाई किया था तो मेरा ट्रेनिंगशिप में सिलेक्शन हुआ है, 2 मंथ के लिए इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुआ है रोमानिया में। तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो ये लोग आपको पे करते हैं, फिर आपको मंथली आपको पैसे नहीं देने, केवल कॉलेज की फीस देनी है, बाकी आपको 1000 यूरो, 800 यूरो, 700 यूरो ये ऐसे आपको मिलते हैं ऑलरेडी। ये कई सारी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। और
और बहुत सारी जानकारी है, जो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। मैं अपनी आईडी मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर भी। थैंक यू वेरी मच।